हेलो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर आप एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आप वीएस कोड यूज़ करते हो तो आपने एक्सटेंशन के बारे में तो सुना ही होगा। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसी 8 एक्सटेंशन जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी कोडिंग जर्नी पे, या फिर अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करेंगे उस चीज़ पर। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने खोल लिया अपना वीएस कोड एंड इसे काट देते हैं यहाँ से। एंड अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन वाले उसमें जाएंगे टैब में एंड यहाँ पे सर्च मारेंगे टैब 9। टैब 9 क्या है, बेसिकली एक सजेशन वाला सिस्टम है एआई के द्वारा, जो आपको सजेशन देता है कि आप आगे क्या लिख सकते हो एंड मोस्टली टाइम करेक्ट होता है। आप इसको जब डाउनलोड करोगे तो आपको इसका पता लगा कितना ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर दो, जैसे मैं किया ये, एंड अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे काट दो एंड यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है प्लीज़ साइन इन टू स्टार्ट यूजिंग टैब 9। आपको बेसिकली इस पर साइन करना पड़ेगा, ये कम्प्लीटली फ्री है। इसे ओपन करते हैं एंड ये टैब 9 की वेबसाइट पे चला गया। यहाँ पे आप अपने गूगल से साइन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जिससे आपको करना है, मैं गूगल से कर रहा हूँ एंड ये हो गया। हमारे पास ये स्क्रीन आई साइन इन और टोकन, तो हमारे पास ये टोकन आया है और बोला है कि कमांड पैलेट पे जाके टैब 9 सर्च मारो। हम यहाँ पे गए कमांड पैलेट पे सेटिंग्स पे जाके, ये सेटिंग्स है, हाँ यहाँ से गए कमांड पैलेट पे एंड यहाँ पे हमने सर्च मारा टैब 9। तो यहाँ पे आया टैब 9 साइन इन यूजिंग ऑथ टोकन। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आया साइन इन, इस पर हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है अपना टोकन डालो, तो यहाँ से हम टोकन को कॉपी मारेंगे एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड एंटर। एंड नीचे देखो मैसेज आया, यू आर करेंटली लॉग्ड इन एज हिमांशु ओली, आपके उसमें आपका नाम आएगा। यहाँ पे हम साइन इन हो गए हैं। अब ये करता क्या, आपको ये दिखाते हैं। हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में गए एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डाल लेते हैं एरो फंक्शन। हम लिखेंगे कॉन्स्ट एड, देखो सजेशन आया, आप देखो यहाँ पे देखो सजेशन आया, टैब दबाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे देखो फिर सजेशन आया रिटर्न ए बी फंक्शन, बेसिकली फंक्शन आ रहे हैं एरो फंक्शन यहाँ पे भी। अगर आप टैब दबाते हो तो यहाँ पे आपका हो गया, यानी कम्प्लीटली फ्री है एंड कोई पैसा वैसा नहीं। इसको आप अगर आप फंक्शन कॉल करते हो console.log, ये भी आ ही गया एंड मुझे ऐसे कॉल नहीं करना, मुझे डायरेक्टली कॉल करना है। मैं ए और बी पास कर दूंगा, यहाँ से इसको हटाऊंगा एंड यहाँ से भी इसको हटाऊंगा एंड ए और बी पास कर दूंगा। अब डायरेक्ट हो गया एंड अब इसको रन करने के लिए मैं जाऊंगा टर्मिनल पे। टर्मिनल थोड़ा छोटा कर लूँगा इसको पहले, हाँ ज़्यादा बड़ा हो गया टर्मिनल। एंड यहाँ पर सर्च मारूँगा, टाइप करूँगा नोर टेस्ट डॉट जे एस। यहाँ पर 8 आना चाहिए, 8 आ गया, ठीक है। ये बेसिकली आपको ऐसे सजेशंस देगा एंड अगर आपको और इसके एग्जांपल देखना है आप इसके नीचे एंटर मार के बेसिकली फंग ले देते हैं। देखो यहाँ पे आ गया फंक्शन मल्टीप्लाई ए बी। अब यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, अब यहाँ पे आर लिखूँगा बस एंड रिटर्न ए इन टू बी खुद ही बोल रहा है। फिर मैंने आर वापस लिख दिया, रिमूव इवेंट लिसनर, ये सब ऐसे ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको बताने के लिए था सजेशन देता है करके। एंड उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो है हमारी कोड रनर। कोड रनर जब भी बेसिकली ये क्या करता है कि जब भी आप कोई जावास्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस, गो, इन सब का प्रोग्राम बनाते हो ना, तो फिर आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है नीचे। जैसे नेक्स्ट जेएस में npm रन dev, गो में लिखनी पड़ती है गो रन एंड फाइल का नाम। इन सब चीज़ों को बचाता है। आप इसे इंस्टॉल करोगे फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर जाओगे सेटिंग्स से एंड यहाँ पर लिखोगे अगर आप कोड रनर CODER runner एंड यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कोड रनर, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक एंड यहाँ पे आपको शिफ्ट एंटर या कोई भी अपना जो आपको बनाना है बना सकते हो, मुझे शिफ्ट एंटर ज़्यादा आसान लगा। मैंने किया एंड अब क्या, जैसी हम यहाँ पे वही वाला कोड ले आते हैं एडिशन वाला, बस उठा देते हैं। अब इसको मुझे रन करना है अगर, हम क्या करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, ठीक है, शिफ्ट और ये एंटर, देखो 8 आ गया। एंड हम इसी को मतलब और भी कर सकते हैं बार बार अगर करना चाहें तो, देखो मैंने 2 बार और कर दिया शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर। बेसिकली ये है और ये बहुत आसान है, आपको बार बार वो कमांड लिखो उससे बेटर है। एंड उसके बाद थर्ड जो हमारी एक्सटेंशन है वो है ऑटो रीनेम टैग। बेसिकली ये क्या करता है कि जब भी आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हो, जो हज़ारों लाइन का कोड लिखते हो, तो आपके जो टैग होते हैं स्टार्टिंग टैग कहीं और ही होता है और एंडिंग टैग कहीं और ही होता है। ये क्या करता है कि आपको दोनों जगह जाके टैग चेंज करने पड़ते हैं। ये क्या करता है, अगर आप एक टैग चेंज करते हो तो आपका दूसरा टैग भी चेंज कर देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने पी लिखा एंड पी टैग के अंदर कुछ टैक्स दे देते हैं, जैसे लॉरम 50 दे देते हैं
ज़्यादा बड़ा हो गया, वर्ड रैप कर लेते हैं, टूगल वर्ड रैप एंड ये ठीक है। सो ये आ गया। अब मान लो मुझे पीके का डिव देना था, मैं भूल गया, अब मुझे चेंज करना है तो मैं डी आई वी लिख दूंगा एंड नीचे अपने आप चेंज आएगा, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं स्पैन देना है, एस पी ए एन कर दो, नीचे भी स्पैन हो गया, ठीक है। सो बहुत मतलब अच्छा है अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो तो, छोटे में तो खैर इतना काम का नहीं है, मतलब आप वो खुद भी कर लोगे मैनुअली, बट अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो फुल स्टैक टाइप, तब बहुत काम आता है ये। एंड उसके बाद जो चौथी एक्सटेंशन है वो है पाथ इंटेलिजेंस। पाथ इंटेलिजेंस क्या करती है, बेसिकली जब आप इंपोर्ट वगैरह करते हो ना तो आपको सजेशन देती है, जैसे आप नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट बनाया, जैसे मैं नेक्स्ट जेएस में कर रहा हूँ, सो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ स्लैश डालूँगा तो मुझे सजेशन आ जाएंगे। सो वही चीज़ पाथ इंटेलिजेंस करती है। एंड यहाँ पे आप पाथ वाथ अगर आपको सेट करना है तो ऑटोमेटिकली वो आपको सजेशन देगी, या कर भी देगी अगर आप करना चाहो तो। सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसका उसको काट दें। एंड उसके बाद जो पांचवी एक्सटेंशन है वो है हमारी गिट लेंस। गिट लेंस क्या करती है, बेसिकली एक ऐसी एक्सटेंशन है जो ये बताती है कि कौन से यूज़र ने उस पे कमिट मारा है, मतलब उस कोई पर्टिकुलर कोड पे कौन से यूज़र ने कमिट मारा है। सो इसके लिए मैं एक दिखा देता हूँ। जब ये बताए तब काम आता है जब मल्टीपल यूज़र काम कर रहे होते हैं ना प्रोजेक्ट पे, एंड सब अपने अपने कमिट मारते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि किसने कौन सा कमिट मार रखा है। तो मैं पे एक ओपन कर लेता हूँ, डेस्कटॉप मानशो प्रोजेक्ट्स पेज सेट कर लेते हैं ओपन। सो यहाँ पे क्या है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है फुल स्टैक का नेक्स्ट जेएस में। सो यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट पे जाके अगर देखता हूँ तो यहाँ देखो लिखा आ रहा है हिमांशु ओली 18 3 वीक्स अगो इनिशियल कमिट, मतलब पहला कमिट था और हिमांशु ओली मैंने ही किया है, ठीक है। अगर किसी और ने किया होता तो वहाँ पे किसी और का नाम आ जाता जिसने भी किया है, गिटहब का नाम आता, मेरा गिटहब का नाम है। सो ऐसे आप किसी में भी जाओगे ना तो उसमें आपको वही दिखाएगा, ये हिमांशु ओली, ये सारा मैंने कर रखा है बिकॉज सिंगल ओनर हो ना, बिकॉज सो अगर मल्टीपल ओनर होते हैं, मल्टीपल वर्कर होते हैं एक गिटहब पे तो बहुत ज़्यादा काम आता है। सो आप उससे बोल सकते हो कि इसको चेंज करो या फिर ये गलत किया करके। सो अब अगली एक्सटेंशन पे आते हैं जो सिक्स नंबर पे आती है हमारी टू डू हाईलाइट। सो ये बेसिकली तब काम आती है जब आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो और आप कुछ काम अभी कर लेते हो, कुछ काम आप बाद के छोड़ते हो। सो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं सो हम क्या करते हैं, पहले नैव बार बना लेते हैं एक लैपटॉप के हिसाब से या फिर पीसी के हिसाब से, उसके बाद हम मोबाइल के हिसाब से नैव बार बनाते हैं, मतलब उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। सो देखो यहाँ पर मैंने नैव बार बना रखा है एंड ये मैंने डेस्कटॉप के हिसाब से बनाया है, इस पर मैंने मोबाइल के हिसाब से नहीं बना रखा है। सो मान लो मुझे फ्यूचर में इसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मोबाइल नैव बार भी ऐड करना है, सो यहाँ पर मैं कमेंट कर दूँगा डेस्कटॉप नैव बार। एंड अगर मान लो मुझे मेरे पास अब एक ऑप्शन तो है कि मैं यहाँ पे मोबाइल नैव बार लिख दूँ, लेकिन कमेंट्स क्या होते हैं कि ऊपर भी कमेंट है डेस्कटॉप नैव बार, नीचे भी, तो कुछ हाईलाइट वगैरह नहीं हो रहा। सो मुझे पता कैसे लगेगा कि मुझे, मैं तो उसे इग्नोर भी कर दूँगा अगर मान लो मैं अगर वन गो में देख रहा हूँ तो। सो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे हटाओ इसे, यहाँ पे कमेंट किया एंड यहाँ पे हम टू डू लिख के कॉलन लगा सकते हैं तो वो हाईलाइट हो जाएगा। एंड उसके बाद मोबाइल नैव बार, अरे यार क्या लिख दिया है, सो रुको एक सेकंड, एम ओ बी आई एल ई नैव बार, ठीक है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं एंड ये हाईलाइट करता है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि आप दूर से ही देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं कोड छोटा करूँ एंड इसको पूरा खोल दिया, सो आप सो रहे और ये येल्लो अलग से दिख रहा है कि आपको मोबाइल नैव बार बनाना है करके। सो ये बहुत हेल्प करता है अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो। एंड बस इसके बाद ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि यू कमिटेड 11 सेकंड्स अगो। सो अगला जो एक्सटेंशन है वो है वी एस कोड आइकन्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी एस कोड आइकन्स, आखिंद्रा, अच्छा सॉरी ओ सी डी ई लिख दिया, सो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सी ओ डी ई वी एस कोड आइकन्स एंड ये आ गया। सो ये बेसिकली ये क्या करता है, आपको आइकन्स देता है इन बिल्ट, बेसिकली ये बेसिकली आपको आइकन्स देता है एंड इस पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, जैसे हमने यहाँ पे खोला देखो HTML JavaScript इन सब के सामने वो आइकन्स जो आ रखे हैं ना, वरना अगर आप ये डाउनलोड ना करो तो नॉर्मल फाइल की तरह दिखाता है वो, लेकिन अब यहाँ पे ये जैसे रिएक्ट
की है, एक नेक्स्ट जेएस की एक प्रोजेक्ट है, तो प्रिज्मा के आगे ऐसा लगा है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के सेटिंग्स बनाए हैं, टेलविंड के आगे टेलविंड का साइन बनाया है, जेएस के आगे जावास्क्रिप्ट के आगे जेएस लिखा हुआ है। सो बहुत ज़्यादा है, जैसे सोर्स के अंदर देखो आप डाटाबेस के आगे डेटाबेस का साइन बना हुआ है, सो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब दिखने में अच्छा लगता है बेसिकली, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो हमारी लास्ट एक्सटेंशन है वो है मोस्ट कॉमन लाइव प्रीव्यू। ये उतनी मतलब यूनिक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ये वाली नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट वाली। सो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, रिथ्रिक दे वाली भी, पहले लोग वही यूज़ करते थे, बट अब जब माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ कर दी तो वो यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। सो इसको इंस्टॉल करोगे तो अगर आप इसको रन करना चाहो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, और ये यहाँ पे आ गया, आप इसे ओपन ब्राउज़र कर सकते हो। एंड इसको जूम आउट कर देते हैं, मतलब फुल स्क्रीन कर देते हैं, एंड यहाँ से हटा देते हैं। सो अब आपको देखो, अगर आप, मैंने यहाँ से लॉरम इप्सम हटा दिया यहाँ से पूरी लाइन, एंड यहाँ पे मान लो मैंने अपना नाम लिख लिया हिमांशु ओली। सो यहाँ पे मैं गया, वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है अगर आप HTML CSS वाला चीज़ करते हैं तो। सो ये सारी थी 8 एक्सटेंशन जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक, एंड और वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।